नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर वन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुरुग्राम। गुरुग्राम प्रदेश की वर्ल्ड क्लास सिटी है। यहां तमाम तरह की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं और आज हम सेक्टर 45 इलाके में मौजूद हैं। यहां की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं और इनके क्या समाधान हो सकते हैं, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम रेजिडेंट हमारे साथ यहां मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं जो आज जिनके सामने हम जो रेजिडेंट्स हैं उनकी समस्याएं रखेंगे और क्या समाधान निकलता है, कोशिश करेंगे कि लोगों को उनकी समस्याओं से निजात मिल सके। हमारे साथ सुधीर कुमार जी है, SHO है सेक्टर 40, विजय कुमार जी है SHO सदर है, ACP सदर, इंदरजीत जी हमारे साथ हैं, रमन मलिक जी प्रदेश प्रवक्ता है BJP और हमारे साथ धर्मवीर गाभा जी है, एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, और हमारे साथ सतीश यादव जी है, एक्स सरपंच है कन्ही गांव से, और हमारे साथ BS दलाल जी है, प्रेसिडेंट है रॉयल रेजिडेंसी से। सबसे पहले दलाल साहब, जो प्रॉब्लम है वो समझना चाहेंगे कम शब्दों में, क्या क्या दिक्कतें हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। ऐसा है कि हम इस सोसाइटी में पिछले 4-5 साल से यहाँ रहते हैं, तो उस टाइम जब सोसाइटी हमने शुरू की थी तो यहाँ पे कोई ज्यादा गंद बंद नहीं था, आगे भी साफ था, बराबर में भी साफ था। ये हुड्डा की लैंड है तीनों तरफ, तो ये हुड्डा की लैंड है। हमने हुड्डा में भी रिक्वेस्ट किया कि जो ये लैंड जो है अक्वायर करके आप अपना कब्जा करो इस पे, ताकि यहाँ की भी झोपड़ियां भी पड़ी हुई हैं और ऐसे तरह के लोग रहते हैं जिनका हम बता नहीं सकते, तो यहाँ पे खतरा बना हुआ है पूरी तरह से। ऐसे लोगों के बीच में रहना बड़ा मुश्किल है, हमारा बड़ा दुर्दशा हो गया है। रमन जी, बेसिक जो समस्या है वो आपने सुनी है, क्या समाधान हो सकता है कि इन लोगों को इन समस्याओं से निजात मिले, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लोग रह रहे हैं, तो इनका हक बनता है एक सुरक्षित माहौल मिले, बेहतर सुविधाएं मिले। देखिए, सबसे पहले आपने जिस समय कल मेरे को इस प्रोग्राम के बारे में सूचित करा, मैंने आपसे मूलभूत जो विषय थे वो पूछे, उसके बाद शायद आपके रेजिडेंसी यहाँ बता दें, सुबह से चाहे वो पुलिस का एक महकमे का एक वेरिफिकेशन की क्या क्या इश्यूज जो आपने भेजे थे, वो चाहे वो MCG के थ्रू जो पटवारी हैं उनकी विजिट और उन्होंने जो उसकी एक्चुअल रिपोर्ट सबमिट करनी थी MCG में, उसको लेके ये ऑलरेडी हो चुका है। हम जब बैठे हुए करोड़ों रुपए की जमीन है, लूट रही है, लूटने दिया जाए, विभाग आपका है और कंट्रोल आपको ही उस पर करना होगा। इंद्रजीत, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लोगों की कुछ परेशानी है, उनका कहना है अभी जिस तरह से लगातार कुछ चोरी की वारदातें हुई अभी तक चोर पकड़े नहीं हुए हैं, इसके अलावा महिलाओं के लिए शाम को निकलना बड़ा मुश्किल है, इस तरह की कुछ समस्याएं यहां पर है। खैर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां कुछ खामियां भी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं, अंधेरा हो जाता है, वो दूसरे विभागों को करने की जरूरत है। तो एक भरोसा कि किस तरह से चीजें और बेहतर हो सकती है, और सबसे अहम, हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस ही सारे काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेशन आम लोगों का भी होना चाहिए, तो लोग किस तरह से जुड़े, क्योंकि सबको मिलजुल कर ही इस समस्या से, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने से लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बेसिक ये समाज का ही कार्य है, समाज और पुलिस एक ही है, समाज को मिलकर ही हमारे साथ कार्य करना पड़ेगा। बाकी जो महिलाओं से रिलेटेड हमने यहाँ पे PCR वगैरह, SHO मोबाइल है और है, पेट्रोलिंग गश्त प्रॉपर कर रहे हैं, और जो चोरी हुई है, जो प्रधान जी जो डिस्कस कर रहे थे 1100 फ्लैट में, उस रिगार्डिंग हमने एक टीम अलग से ये लगा दी है और ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। विजय जी, काफी टाइम से आप इस पूरे इलाके को देख रहे हैं, और किस तरह से बेहतर हो सकता है, दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से थाने के स्तर पर और क्या कुछ किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर किया जा सके? इसमें इस तरह की जो इंसिडेंट है उनको प्रिवेंट करने के लिए RWS के साथ मीटिंग की जाए। अब इस सोसाइटी में जैसे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो जो बर्गलर है वो जा रहे हैं तो उनकी फुटेज आई हुई है। हमारे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है सेक्टर 47 में, वहाँ इवन मेन गेट में भी CCTV कैमरा नहीं है, तो हमने सदर के एरिए में कोशिश करी है, जितने भी ओपन एंट्रीज थी उन पे गेट लगवाए हैं, CCTV कैमरे लगवाए हैं, और इससे काफी हद तक जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो हमारा कंट्रोल हुआ है। सुनील जी, एक चीज लगातार जो वेरिफिकेशन है, चाहे नौकर रख रहे हैं हम लोग, ड्राइवर हैं या दूसरा जो इस तरह का स्टाफ रखते हैं, वेरिफिकेशन के लिए पुलिस लगातार कहती रहती है, लेकिन क्या लग रहा है कि जो वेरिफिकेशन जिस तरह से होनी चाहिए, लोगों को जो आगे आना चाहिए वो आ पा रहे हैं, या कहीं सिस्टम में अभी भी कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इस तरह के लोग जो है अनवांटेड लोग इस तरह के आते हैं, वो इसी तरह की सोसाइटीज में रहते हैं और फिर वहीं अपराध भी करते हैं? देखिए, जो वेरिफिकेशन का स्तर है वो अभी 100% नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनमें जागरूकता की कमी है या समय अभाव के कारण
वो समय पर सूचना नहीं दे पाते पुलिस स्टेशन में कि हमें अपने सर्वेंट का, इस टेनेंट का, या हमने ये मेड रखी है, या हमने ये गार्ड रखा है, इसका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। वो हफ्ता 10 दिन निकाल देते हैं और उस दौरान तक कोई वारदात हो जाती है। फिर उनसे पूछा जाता है क्या आपने वेरिफिकेशन कराया, तो कहते हैं कि जी समय नहीं मिला था, हमने प्रोसेस इनिशिएट किया था। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है अभी। वही है कि हम सबको भी साथ आना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन की बात की जाए तो पुलिस तो वेरिफिकेशन करेगी, लेकिन उस सब के लिए हम जिसको नौकर रख रहे हैं या काम पे किसी को रख रहे हैं, तो उसकी जानकारी हमें पुलिस स्टेशन भी लेकर जानी होगी, तभी जाकर वो वेरिफिकेशन हो सकती है। सर, पूरे गुड़गांव को आपने अपने सामने फलते फूलते और बड़ा होते देखा है। जब यहाँ पर टीले थे, रेत उड़ती थी, तब से लेकर आज जब ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं, लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। फिर ऐसा है कि सुविधाएं तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ने कोशिश कर रही है, लेकिन आबादी के बढ़ने के साथ जैसा पहली बार इलेक्शन लड़ा था उसका गुड़गांव की आबादी 84,000 थी। सारी समस्या होगी कि एक राज सिटी बनाना कैसे बढ़ाया जाए। फिर हमने कभी बादशाहपुर को मिलाया, कभी गुड़गांव विलेज को मिलाया, तभी कहीं 1,00,000 की आबादी हुई तो हमने 1,00,000 सिटी बनवाया। बहरहाल ये लोग, इनका हक है, फंडामेंटल राइट है, मैं समझता हूँ, इनको सिक्योरिटी मिले, इनकी इज्जत हो, सारी बात हो। हमारे तो ये सामने फ्लैट है, मैं तो सुनने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ताकि वो हमारे यहाँ ना हो। सतीश जी, कन्हैया गांव से हैं और पूरे इस इलाके को भी आप अच्छे से जान रहे हैं, और जिस तरह से सेक्टर के साथ जो इंक्रोचमेंट और वो सारी चीजें हुई, एक बड़ी समस्या है। तो इसको जब प्रशासन या बाकी जगह आप लोग लेकर जाते होंगे शिकायत, तो कुछ सुनवाई होती भी है या नहीं? सबसे पहले तो मैं अपने इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूँ जो भाई हमारे 45 सेक्टर में आके लोगों की समस्या सुनी। और मैं गांव के बारे में बताना चाहूंगा, ये 2015 से अपने कांग्रेस सरकार थी, जब 24-2 का एक एक्ट बनाया था, हमारे कुछ बीच में वकील साहब भी बैठे होंगे, तो ये लोग बाग जितने भी जो अनऑथराइज और जो झुग्गियां दिख रही है, ये 24-2 में माननीय हाई कोर्ट में चले गए। तो एक बार माननीय हाई कोर्ट ने सुनाई करके और एक कमेटी बनाई हुडा की, और भाई उनकी सुनाई करके जो 24-2 के एलिजिबल है कि नहीं है, तो ये दोबारा से कोर्ट में चले गए। तो अब तकरीबन मैं आप लोगों को बताऊं, तकरीबन 29 तारीख लगी हुई है, 29 जनवरी है, तो इसमें माननीय हाई कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाना, भाई इनको रिलीफ दे या इनको मतलब हटाए, तो इसमें इसका मैटर, तो ये झुग्गी झोपड़ी का मैटर तो ये रहेगा, 29 तारीख को इसका हो जाएगा। कुछ हमारी कमियां है, जैसे हुडा, पहले हुडा से अडोप्टेड थे अपने सेक्टर, तो एक साल से ये हुडा और निगम में भाई अडोप्ट आज कर रहा है, ना हुडा काम कर रहा था। उम्मीद करते हैं पूरा शहर जगमगवाए और सेक्टर 45 के भी अच्छे दिन आ जाएं। यहाँ बाकी रेजिडेंट है, कुछ सवाल अगर आप लोगों के हैं, यहाँ सभी मेहमान हैं, अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं। सर, किससे सवाल है? सवाल सभी से आए जो सामने मौजूद बैठे हैं। मेरा नाम निरंजन सिंह नेहरा, मैं रेजिडेंसी ग्रीन में रहता हूँ, और यहाँ रहते हुए मुझे 9 साल के करीब हो गए हैं। शुरू से ही मैं कुछ प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ जिसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं हुई है। जैसे एक परपिचुअल प्रॉब्लम है, रोड पे पानी भरा रहता है, गंदगी रहती है, रोड की सफाई नहीं है। MCG ने करना है या हुडा ने करना है, ये फैसला उनके बीच में होगा। और सवाल ले लेते हैं इकट्ठा, उनके जवाब फिर एक एक करके आप लोगों से लेंगे। कुछ आप कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, यहाँ ACP साहब भी हैं, सभी HHOs हैं और बाकी लोग भी हैं, किनसे आपका सवाल है? मेरा नाम है मिसेस शर्मा, मैं अंतरिक्ष ग्रीन अपार्टमेंट्स में रहती हूँ। हमको यहाँ पे अपने काम करने के लिए जो हम मेड्स को एम्प्लॉय करते हैं, उनके पास 3-3 आधार कार्ड है। हम किस उस पे जाएं, कौन सा ऑथेंटिक है, ये कैसे होगा, कैसे वेरिफिकेशन होगी? इट इज अ बिग क्वेश्चन ऑफ कंसर्न। वी वांट टू कोऑपरेट विद पुलिस, बट मैं रमन जी आपके पास आ रहा हूँ। जी, बहुत संवेदनशील विषय जो आपने दिया। मेरा आपको सुझाव इतना सा है कि इन तीनों आधार कार्ड की फोटो खींचिए, आपके यहाँ के पुलिस वाले बैठे हैं उनको इमीडिएटली दीजिए। ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सर, सड़कें पिछले 8-10 साल से बनी नहीं, टूटेगी तो बात की बातें हैं। खैर, उम्मीद करते हैं कि अब नई सड़कें बनेगी और वो टूटेंगी। रमन जी, मैं भी आगे, नहीं अच्छी बात है जो बनी है, लेकिन जहाँ वो खराब है वहाँ हम भी देख रहे हैं कि जो हालत है। जी 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 जी, खराब है वहाँ मैंने खुद माना है। बिल्कुल बिल्कुल इंद्र जी जी, एक बड़ा गंभीर सवाल आया, रमन जी ने भी इस चीज को लेकर कहा है कि बड़ा सिक्योरिटी संवेदनशील मामला है। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, अगर हमें लगता है कि कहीं कोई संदिग्ध है,
इस तरह की अलग अलग जो फेक आइडेंटिटीज उन्होंने बना रखी है, तुरंत वो क्या करें? 100 नंबर पे फोन करें, थाने जाए, किस तरह से क्या? वो 100 नंबर पे फोन कर सकते हैं, कंसर्न पुलिस स्टेशन को भी इंटीमेशन दे सकते हैं, उसमें हम पूरा रिकॉर्ड को वेरीफाई कराएंगे और प्रॉपर जो भी लीगल उसमें होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, अगर कोई इस तरह का फेक रिकॉर्ड देगा या तैयार करेगा या करवाएगा। क्योंकि 3-3 आधार इज अ सीरियस थ्रेट, बहुत सीरियस थ्रेट है। चोर सब मैं ले लेता हूँ यहाँ से जी, मैं आ रहा हूँ सर, मैं एक एक करके मैं आ रहा हूँ। यहाँ एक मैम से मैं एक सवाल ले लूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ सर जी। मैं डॉक्टर प्रभजोत कौर इस सोसाइटी में रहती हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है सोसाइटी में या सोसाइटी के नेबरहुड में, हमको एक नंबर जिनको कि हम कॉल कर सकें और वो नंबर हम सब में सर्कुलेट कर सकें कि इस नंबर पर टेलीफोन करिए। आप सब यहाँ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपसे पहले जब हम फोन करेंगे तो आपके असिस्टेंट उठाते हैं, आप तक खबर बहुत देर तक पहुँचती है, तब तक यहाँ सब गड़बड़ हो जाती है। मैं आ रहा हूँ सर, एक दो सवाल मैं यहाँ से ले लूँगा फिर मैं आ रहा हूँ जी सर। हाँ वर्मा जी, मेरा रमन मलिक जी से है जनाब। ये CM विंडो स्क्रैच लगा चुकी है, अच्छा ये सामने हमारा पार्क डेवलप होना, पार्क देखो क्या हाल उसका। हॉर्टिकल्चर के एक्शन आकर के 3 बार ये कह गए भाई हमें आप ये इंक्रोचमेंट हटा दो, हम पार्क आप भी बना देते हैं। हम उड्डा एडमिनिस्ट्रेटर के पास गए, उन्होंने 2 बार सर्वे SDO को टेलीफोन हमारे सामने किया भाई पुलिस पूरब चाहती हो तुम लेकर ये हटाओ। वो SDO आज तक उसने विजिट नहीं। आप ये सारी डिटेल्स मेरे को भेज दीजिए, राज जी के थ्रू भेज दीजिए, मैं खुद इसको फॉलो करूंगा। और आप अगर चाहोगे तो मैं आपको अपडेट भी राज जी के थ्रू भेज दूंगा कि मैंने कब मीटिंग करी, क्या मीटिंग किसके साथ करी, वो फॉलो अप्स भी मैं आपको दे दूंगा। चलिए अच्छी बात है कि ईमानदार कोशिश है और उम्मीद यही है कि जो समाधान वो भी मिलेगा। इंद्रजीत जी, एक सवाल ये आया सर, एक सवाल ये आया कि अक्सर ये हम देखते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम 100 नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं और 100 नंबर पर कॉल जो स्थिति अभी बन रही है जिस जितनी लाइन है लगता नहीं है, तो ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाता है और जब तक इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचती है तब तक देर हो जाती है, तो और कहां कांटेक्ट कर सकते हैं लोग कि तुरंत उनके पास रिलीफ पहुंचे? हमारे लेडी के रिगार्डिंग मैटर है 10091 नंबर है, 100 नंबर आपको बताई है, तीसरा SHO के मोबाइल नंबर है, ACB का मोबाइल नंबर है, और अभी जिस तरह मैडम कह रही थी तो हम सोसाइटी वाइज एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा देते हैं SHO के पास, ताकि ग्रुप में डाले तुरंत SHO को इंटीमेशन हो जाए वो कंसर्न को भेज के। चलिए एक अच्छी पहल यहाँ है जो ACP साहब ने सुझाया है कि जितनी भी सोसाइटीज हैं वो एक पुलिस के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बने, ताकि जो भी प्रॉब्लम है आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर, लॉ एंड ऑर्डर संबंधित कोई अगर परेशानी है, पुलिस से कोई हेल्प चाहिए, वो आपके पास इमीडिएट पहुंच सके। विजय जी, एक और जो प्रॉब्लम आई जिस तरह से एनक्रोचमेंट है, बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां बन गई, खैर अब उनको भी रहना है, गरीब आदमी जाएगा तो कहां जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके भी अपने कुछ अधिकार हैं, लेकिन इस तरह के जो स्लम जो तैयार हो जाता है तो वहां पर ऐसे भी लोग अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग रहते हैं, तो क्या समय समय पर उनकी वेरिफिकेशन होती है? वेरिफिकेशन भी होती है और पीरियोडिकली कॉम्बिंग होती है उन एरियो में, ताकि अगर कोई क्रिमिनल हो या अनलॉफुल कोई उसके पजेशन से कोई हथियार वगैरह मिले उसकी रूटीन से हम कॉम्बिंग भी करते रहते हैं और वेरिफिकेशन उनको जो भी लैंडलॉर्ड हो उनके माध्यम से बुला के या फिर खुद वहां जाके उनकी वेरिफिकेशन भी करते हैं। हमेशा से एक सवाल उठाते हैं, बड़ा इजी रहता है कि पुलिस ये नहीं कर रही है, पुलिस वो नहीं कर रही है, इस सबके बीच आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर लोगों के लिए कर सके। पहले भी ये मैंने सवाल किया कि लोग भी इसके आपके साथ जुड़े, अब जिस तरह से एक सुझाव भी दिया, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और क्या हो सकता है कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, पुलिस के साथ वो मिलकर काम करें ताकि इस तरह के अपराध और अपराधियों के ऊपर हम लगाम कर सकें। देखिए, जो आज की पुलिस है वो आपकी पुलिस है, लोकतंत्रात्मक पुलिस है, ठीक है जी। इसमें आप ये ना सोचें कि किसी को शासन कायम रखना है, पुलिस का इस्तेमाल इसलिए होगा, नहीं। आज हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, हमारा गणतंत्र देश है भारत देश, तो इसमें हमें आप अपना समझें, हम आपको अपना समझेंगे, आप हमें अपना दुख दर्द बताएं, आपकी जो समस्याएं हैं उनको हमारे साथ शेयर करें। कुल मिला के किसी भी समस्या से अगर निपटना है, उसका समाधान निकालना है, तो मिलजुल कर ही काम करना होगा। और सेक्टर 45 में लगातार जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी।
ब्रेक के बाद वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं सेक्टर 15-45 में जो समस्याएं हैं, रेजिडेंट भी हैं, उनकी क्या समस्याएं और क्या और सवाल हैं उनके जो अब मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे। जी क्या सवाल सर? सबसे पहले तो मेरा ये है कि यहाँ पे हम बच्चों के 10 रुपए की चीज लेके आनी पड़ती है तो हमें 100 रुपए वो करने पड़ते, मार्केट आसपास नहीं है हमारी। सबसे बड़ी समस्या मार्केट की है। दूसरी बात सिक्योरिटी की है। पुलिस विभाग से मेरा निवेदन है कि शाम के टाइम या रात के टाइम यहाँ पे राउंड जरूर लगाएं, क्योंकि हम सोसाइटी के अंदर भी नहीं घूम सकते। क्योंकि एक दिन मैं इधर से ही घूम रही थी, यहाँ जो बीच का रास्ता है दोनों सोसाइटी के बीच में, यहाँ पे लोग मतलब गलत बोलते हैं। जी मैम, मेरा नाम है मालती महर्षि। मैं एक ध्यान दिलाना चाहूंगी पुलिस वालों से, मेरा अनुरोध है कि रात में जैसे शादियों का जब सीजन होता है या जगराते वगैरह होते हैं, रात को 1:30 बज जाता है 2 बज जाता है तब तक भी वो बंद नहीं होते। और दुखद ये है कि जब हम फोन करते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने 2-3 बार फोन किया, जब भी किया तो कभी तो जवाब ये मिलता है, मैडम अब शादी तो एक ही बार होती है। एक दो सवाल और मैं ले लेता हूँ फिर इकट्ठे। जी सर, सो आई हैव 2 questions। वन, एज ए जनरल पब्लिक we find it a little challenge to raise an FIR with the police, and people are getting discouraged to raise an FIR. So if we can get to know a process of how to get the FIR registered at the first place, because raising an FIR actually gives us some confidence that yes, we have registered our complaint to the police and police will be acting on it. So this we are facing a challenge. I need to know from the police, is there a norm that the security agency has to register his employees with the police? जी जी रवि, वी हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, भगवान की दया है। मैं ये समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा एक जानकारी का अभाव है। जहां तक आपकी पुलिस कंप्लेंट्स का विषय है, हरियाणा का कोई भी निवासी कहीं पे भी विश्व में हो, हर समय करके एक वेबसाइट है, ऐप है, उस पे जाइए, आपको किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं है। आप अपनी कंप्लेंट लिखिए, दर्ज करिए, आपका डायरी नंबर आपके पास आ जाएगा, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू वर्क ऑन इट एंड रिपोर्ट बैक। तो एक तो ये चीज, एक पसारा करके एक कानून हरियाणा सरकार ने लगाया है और उसके अंदर अंतर्गत जितने भी आपके गार्ड्स हैं उनको वेरीफाई करना अनिवार्य है उन एजेंसीज के लिए। जी इंद्रजीत जी, अब कुछ और सवाल भी यहाँ तक है, 2-3 सवालों के जवाब रमन जी ने दे दिए। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ रेजिडेंट है उन्होंने कहा कि शाम के वक्त वो लोग जब जाते हैं तो महिलाओं के साथ भद्दे किस्म की टिप्पणियां हुई करते हैं, कुछ इस तरह से हो कि गश्त यहाँ पर बढ़ जाए। इसके अलावा जिससे रात भर जो लोग देर तक शादी हो या फिर कोई और फंक्शन हो, देर तक जो है डीजे वगैरह बजाते हैं, तो इस तरह की समस्याओं के क्या समाधान है? सूचना, अगर हमें किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होगी तो हम उस पर एक्शन लेंगे। अगर इस तरह का कोई एक्टिविटीज हो रही है, ये कंसर्न एसएचओ मोबाइल मेरे कर दे, कंट्रोल में कर दे, तो हम तो इस पर एक्शन लेते हैं। कुछ और लोगों के अगर सवाल यहाँ पर है। जी नमस्कार जी, मेरा नाम भरत गोयल है। रमन जी ने एक बात बोली थी कि जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है और जो मलबा जैसे सड़क पे आ जाता है या कंस्ट्रक्शन की वजह से सड़कें टूटती हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मानेसर में HSIDC ने किया है। HSIDC पेनलाइज करती है उन लोगों को जिनका कंस्ट्रक्शन का मलबा सड़क पे आता है या इवन बाउंड्री वॉल से बाहर जो ग्रीन बेल्ट है उस तक भी आता है, तो HSIDC बहुत हैवी पेनल्टी लगाता है। इसको अगर आप समझने की कोशिश करें, HSIDC में मोस्टली प्लॉट्स बड़े हैं, समान रखा जा सकता है। अगर आज हम ये प्रावधान लगा दें तो वो लोग जिन्होंने मकान बनाने हैं वो त्राहीमान त्राहीमान करके चिल्लाएंगे। मिली जुली कोशिश होगी तभी। मैं आ रहा हूँ सर, मैं कुछ और सवाल ले लूँ, और भी बाकी लोग हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ, कुछ और लोग भी हैं। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आसपास की सफाई अगर देखी जाए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सीधे हाथ को देखें या हम उल्टे हाथ को देखें, चारों तरफ सिर्फ गंदगी गंदगी है। कोई यहाँ पे सफाई वाला नहीं आता है, कोई यहाँ पे डस्टबिन नहीं रखा हुआ है, कोई उठाने नहीं आता है। एक्चुअली कंप्लेंट्स भी हो चुकी है लेकिन उस पे भी रिस्पॉन्स नहीं आता। मैं आ रहा हूँ, एक सवाल और लेके आ रहा हूँ, इकट्ठे उन सवालों के जवाब लेंगे।
मेरा तो यही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो हम लोग 6 बजे के बाद ये इलाका चंबल की घाटी बन जाता है। हम लोग ना बाहर जा सकते हैं, पैदल ना आ सकते हैं, लेडीज बिल्कुल नहीं जा सकती, ना बच्चे जा सकते। कुछ असामाजिक तत्व तो इस गली में आप जब भी देखें, कोई जिप्सी पीसीआर नहीं घूमती यहाँ पे, और रात के टाइम पे 6 बजे के बाद यहाँ पे लोग दारू पी रहे होते हैं गाड़ी में बैठ के। दो तीन सवाल है रमन जी, कुछ आपसे ले लेता हूँ। मैं एक सवाल और ले लेता हूँ फिर इकट्ठे। मैं दूरदर्शन अंतरिक्ष ग्रीन से हूँ और बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े कार्यकर्ता और जो है ना अथॉरिटीज हमारे सामने हैं, और आपका भी शुक्रिया। जो मेन समस्या जो है रमन जी से मुझे पूरी उम्मीद है और सतीश जी से भी पूरी उम्मीद है कि हमारे पास में ये पार्क खाली, जमीन खाली पड़ी हुई है द्रोणाचार्य के पीछे और हमारे पीछे, और मेरी सोसाइटी में बच्चे खेलते हैं तो बच्चे नाराज होते हैं, और बच्चे खेलते हैं तो हमारे बुजुर्गों को चोट लगती है, एक दिन किसी को एक दिन किसी को, तो वो एक बड़ी लड़ाई का विषय है। तो मैं चाहती हूँ जब तक उसके ऊपर हुड्डा कुछ नहीं बनाता है हम इसको प्लेग्राउंड बना लें, जब हुड्डा कुछ चाहिएगा हम छोड़ देंगे। रमन जी आपसे, रमन जी क्या इस तरह का प्रोविजन है कि अगर रेजिडेंट चाहे तो कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन कब्जा कोई करे तो उसको करने देंगे, मतलब कोई वैसे अगर मेंटेन करने उसका प्रोविजन नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन जहां तक बात अभी आ रही थी, एक एक करके जवाब दे, स्वच्छता की बात कर लेते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं। सर्वेक्षण 2018 भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है साहब, और मैं उसको बिल्कुल मानता हूं। सबसे पहला काम मेरे अपने से शुरू होता है। आज जो कचरा है वो कोई व्यक्ति बाहर से आके नहीं फेंकता, हमारे समाज में से फेंक रहा है। हमको भी थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि जी जिनकी कचरा उठाने की जिम्मेवारी है उनको माफ कर दिया जाए, उनको माफ नहीं करा जाएगा। जहां तक विषय इस जगह का है, मैं इको ग्रीन जो एजेंसी जिनको गुरुग्राम में सारी जगह से कूड़ा उठाने का दिया गया है, इको ग्रीन को हर जगह से गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन एरिया में से कचरा उठाने के लिए अधिकृत करा गया है। पहले इसी पे बात कर लेते हैं, सर्वेक्षण की बात अच्छी बात है कि एक कोशिश की जा रही है कुछ बेहतर हो जाए, कंपनियों को काम भी दिया गया है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं पूरा शहर ही कचरा होता जा रहा है, और डर ये लग रहा है कि जो अभी अंक लेने की जो दौड़ होगी इसमें नाक ना कट जाए इस शहर की, तो उम्मीद करते हैं कि उसकी तरफ कुछ ना कुछ संजीदा होंगे। एक चीज बोलूंगा, हमारे बच्चे हमको ये बोल देते हैं गाड़ी में बैठे हुए कि पापा या मम्मी खिड़की खोल के बाहर मत फेंको। एक आदमी 3 साल से ये चिल्ला रहा है कि अपने देश को स्वच्छ रखो, लेकिन हम माफ करिएगा दीवारें देख के आदमी नहीं रुकते, झाड़ियां देख के कुछ लोग नहीं रुकते। मतलब ये प्रवृत्ति अपनी भी तो कहीं ना कहीं चेंज करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें भी बदलाव की जरूरत है, सारा वजन जो है सिस्टम के ऊपर नहीं डाल सकते, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी भी है उसको भी हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, ये भी मानना होगा। दूसरा, सड़क को लेकर एक बात हुई थी कि सड़क में कुछ मिलावटें हैं, बड़ी जल्दी बनती है और बड़ी जल्दी टूट जाती है, जिस तरह नेताओं के बयान जो है ना अदल बदल है। मेरा इतना सा आवेदन है, MCG GMDA इन दोनों में प्रावधान ये है कि अगर आपको RWA को ये लगता है कि सब स्टैंडर्ड है, आप उसका सैंपल लीजिए, उसको वेरीफाई करा के डालिए, आपकी प्रॉपर कंप्लेंट ली जाएगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं जो आप बात कर रहे हैं वो जमीन पर भी होंगी वो चीजें। कानून की कितनी पालना है होती है रमन जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं आ रहा हूं सर, बस अब एक लास्ट एक कमेंट्स में सभी से ले लेता हूं। सर अभी भी थोड़ा सा लोगों को अभी डर है, जिस तरह के एक जो शब्द कहा गया चंबल में रह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए अगर लोग ऐसा महसूस करते हैं। तो आज आप सभी लोग यहाँ हैं, एक बड़ा भरोसा लोगों को यहाँ देके जाएं कि वो चंबल में नहीं रह रहे हैं, वो एक सुरक्षित इलाके में रह रहे हैं और आप लोग हमेशा जो है उनके साथ। देखिए जो बार बार ये कह रहे हैं, तो मैंने हमारे जो PCR और राइडर हैं जो गश्त करते हैं उनकी एक समीक्षा करके और दोबारा से एक बार लगाए ताकि अगली बार हम इकट्ठे हों तो ये कोई इस बारे में ये क्वेश्चन ना कर सके। चलिए ये उम्मीद जो है ACP साहब की तरफ से, मैं अभी आ रहा हूँ क्योंकि अब वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग। विजय जी एक लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, एक भरोसा एक विश्वास है, आप लोग कोशिश करते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं, उस भरोसे को बस और बढ़ाने की जरूरत है, बढ़ रहा है वो लेकिन और बढ़े। देखिए हमारा जो भी एरिया होता है उसमें PCR राइडर्स की बीट बनाई हुई है, जो PCR राइडर्स है उनकी डेली इवनिंग बेसिस पे हम ब्रीफिंग करते हैं,
जो भी कंप्लेंट है किसी भी लेडी या जेंट्स की तरफ से पुलिस स्टेशन में आई है उसको नोट कर लिया जाता है और इवनिंग में उनको बताया जाता है ये वल्नरेबल पॉइंट है आप इस पे टाइम लगाए। इवनिंग में कोई मोलेस्टेशन या कोई कमेंट्स वगैरह पास करता है तो वो डेली नोट कराया जाता है और काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। सुधीर जी, आपका अपना ही इलाका है सेक्टर 45 का पूरा इलाका, आपके थाना क्षेत्र के सभी लोग हैं, आपकी तरफ से एक भरोसा कि नहीं यहाँ पर आप एकदम पूरी तरह से सुरक्षित है? गश्त की बात करें, एसीपी साहब ने कहा है कि और बढ़ जाएगी, थाने के स्तर पर भी और क्या बेहतर हो सकता है? जी, मैं आपको इस चीज का आश्वासन देता हूँ कि आप पूरी तरह से यहाँ सुरक्षित हैं और आपके इलाके में पीसीआर 12 हमारी जो है 24 आवर गश्त करती है, जिसमें दो शिफ्ट होती है, 12 घंटे हमारी एक शिफ्ट गश्त करती है, 12 घंटे हमारी एक शिफ्ट गश्त करती है। तो आप बेझिझक होकर 24 आवर्स मेरे मोबाइल नंबर पर आप सूचना दे सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं, 5 9 81 824, 5 9 81 824। ये सुधीर जी की तरफ से मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है, ये एक भरोसा दिया गया आप लोगों को कि वो आपके बीच रहेंगे, जब भी आप फोन करेंगे शो के बाद। एक बार फिर से जो लोग नंबर नोट नहीं कर पाए मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, एक बार फिर से सुधीर जी से ले सकते हैं। और एक अच्छी बात यही है क्योंकि इस भरोसे के साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे, सुरक्षित हम खुद रह पाएंगे और दूसरों को रख पाएंगे। सर, एक लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, सारी चीजें आपने सुनी, बनता बिगड़ता ये शहर जो है आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता जाए, और क्या बेहतर हो सकता है जो आपको लगता है, आपकी सजेशन? मेरी सजेशन तो रहता है बात है, लेकिन आज मुझे इनके जवाब सुन के तसल्ली जरूर हुई है कि दे आर गोइंग टू डू समथिंग। सतीश जी, बहुत बहुत कम शब्दों में। राज भाई, मैं तो 45 की अपने रेजिडेंट से इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भाई जो रोडों की दिक्कत है, एक छोटा सा टुकड़ा 100 फुट का जो मैम ने बताई, 100 फुट का टुकड़ा है, उसको बहुत तुरंत मतलब महीने के अंदर अंदर उसका टेंडर में आज ही गया। आपका फोन आया तो मेरे को भी जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो कुछ अधिकारियों की लापरवाही से वो फाइल दब गई थी, मैं आज उसको ओपन करवाया और मैं लाइट का ये मेरा वादा है भाई, लाइट मतलब महीने के अंदर अंदर चौगर दू बढ़िया झमझमा की लाइट होगी। बहुत सारे सवाल है, मैं जान रहा हूँ आप लोग कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन समय की कमी है, सवाल यहाँ कर सकते हैं, सभी लोग यहाँ रहेंगे अभी, सवाल कर सकते हैं, समय की कमी है क्योंकि समस्याएं हैं, लगातार इन समस्याओं से हम जूझते रहे, कोई समाधान कभी लेकर नहीं आया, आज आए हैं तो उम्मीद लोगों की जगी है, लेकिन समय की कमी है। फिलहाल वॉइस ऑफ गुरुग्राम में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।